आप मतलब जिस कॉर्नर में रखेंगे ना वो कॉर्नर बहुत प्यारा, कोई भी सामान रखेंगे ना इस तरह से, ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। ये देखेंगे तो आप लोग को प्यार देगा, उसका सामान होता है ना वो आप इसके ऊपर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और नो डाउट लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। और जो दूसरा बॉक्स है ना इसे अपनी किचन में रखना ही था, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं ऐसा कुछ सामान नहीं मंगाती हूँ जो की यूज कर रहा हूँ बस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू अनदर हॉल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैं आप लोगों के साथ हॉल शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा ब्लॉग ही शेयर करती हूँ, पर आज मैं आपके साथ हॉल शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास मीशो और अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट आए हैं जो कि मैं अपने मॉड्यूलर किचन के लिए मंगाई हूँ। और ये देखिए साइड से मेरा चाय भी बन रहा है, ताकि मेरे काम के साथ साथ घर का भी काम होता है और किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो फ्रेंड्स, पहले भी मैं आप लोग के साथ किचन का प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजर ये सब शेयर की हूँ जो कि आप लोग काफी पसंद किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मेरे पास कुछ कुछ और प्रोडक्ट आए हैं जो कि मैं अपने किचन के लिए मंगाई हूँ और काफी यूजफुल सामान है गाइस। मैं ऐसा कुछ सामान नहीं मंगाती हूँ जो कि यूज कर रहा हूँ बस ऐसे शोपीस के लिए हो या फिर पैसा वेस्ट करने के लिए हो। वैसा मैं सामान कभी नहीं मंगाती हूँ, जो मेरे यूज का होता है वही मैं सामान मंगाती हूँ और वही मैं आप लोग साथ शेयर भी करती हूँ। तो ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूंगी गाइस, चलिए प्रोडक्ट को दिखाना शुरू करती हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जितने ही प्रोडक्ट है वो सारे मेरे अपने खुद के पैसे के हैं। आप सभी को पता ही है कि मेरा चैनल काफी छोटा है, तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सारे प्रोडक्ट मेरे अपने पैसे के हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसकी बात करते हैं, आप ये देख सकते हैं जब आप इसे लेने जाएंगे ना तो उसमें दिखेगा कि ये वेजिटेबल्स क्लीन करने के लिए या फिर सब्जियां क्लीन करने के लिए, सिंक पे रख के कोई वेजिटेबल्स आप क्लीन कर सकते हैं या फिर सब्जियां क्लीन कर सकते हैं, ये सब उसमें दिया हुआ था। पर आप इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, स्पेशली मैं इसे मंगाई हूँ अपने स्लैब पे रखने के लिए। जैसे कि आप कोई खाना बनाते हैं ना, कुकर कढ़ाई गर्म रहता है तो डायरेक्ट स्लैब पे रखने से क्या होता है कि स्लैब खराब होने का डर रहता है, तो इसके लिए मैं ये मंगाई हूँ। आप हीट प्रोटेक्टर भी कर सकते हैं, मतलब मेरे लिए हीट प्रोटेक्टर है। बाकी जिसको जैसे इस्तेमाल करना है, बहुत तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप लोग को अच्छे से दिखाती हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट होता है इसको इस तरह से सिंक पे रखना होता है और इसके ऊपर जैसे कि आप कोई वेजिटेबल्स आराम से क्लीन कर सकते हैं और सब्जियां क्लीन कर सकते हैं, और अगर आपको बर्तन भी धो के ऐसे सूखने के लिए रखना हो ना ड्राई करने के लिए, तो आप इसके ऊपर आराम से इस तरह से बर्तन भी ड्राई करने के लिए रख सकते हैं। पर मैं इसे स्पेशली मंगाई हूँ अपना जो भी गर्म बर्तन होता है ना वो रखने के लिए, हीट प्रोटेक्टर आप कर सकते हैं, मेरे लिए इसका यही यूज है फिलहाल। और फ्रेंड्स, ये अलग अलग साइज में अवेलेबल भी है, आप वहां जाएंगे तो अलग अलग साइज का है। ये मैं जो सबसे बड़ा साइज वहां पे था ना वही मैं साइज ली हूँ, आप देख सकते हैं इसका साइज इतना बड़ा है। तो इसकी जो प्राइस की अगर बात करें तो ये 800 या 850 का है, मुझे एक्जैक्टली नहीं याद है। एक्चुअली क्या है कि एक एक प्रोडक्ट धीरे धीरे करके आता है गाइस, 15-20 दिन में धीरे धीरे करके प्रोडक्ट आया है तो मैं प्राइस भूल जाती हूँ। तो वैसे मैं सबका लिंक दे दूंगी, जितने भी प्रोडक्ट है मैं सबका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से अगर आप लोग को लेना होगा तो जरूर देखिएगा, वहां पे हर एक चीज डिटेल इसका दिया हुआ होगा। तो पहला प्रोडक्ट तो ये है और दूसरा प्रोडक्ट है ये गाइस, आप देख सकते हैं अंदर ये पूरा मिरर है, फुल मिरर है, मतलब आप इसमें फेस देखेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर मिरर है ये। तो मैं तो इसे मंगाई हूँ अपने डाइनिंग टेबल के लिए, सेंटर टेबल पे डेकोरेशन के लिए मंगाई हूँ। वैसे आप इसका इस्तेमाल आप पूजा में भी कर सकते हैं या फिर कहीं भी कुछ भी डेकोर करना ना उसके लिए आप ये कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा पीस लगा, आप लोग देख सकते हैं नजदीक से, ये पूरा स्टील का बना हुआ है और बहुत अच्छी पेंटिंग है, बहुत अच्छी फिनिशिंग भी है, आप देख सकते हैं। और पीछे से ये छोटा छोटा सा स्टैंड जैसा दिखेगा आपको, तीन ये देखिए। तो ये पीस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आप मतलब जिस कॉर्नर में रखेंगे ना वो कॉर्नर बहुत प्यारा लगने वाला है। मैं तो ऐसे भी रख देती हूँ तो भी बहुत सुंदर लगता है। मैं बैक कैमरा से दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए कि ये कैसा प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ आया है, और अगर आप इसमें कोई भी सामान रखेंगे ना इस तरह से, तो ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है नीचे। ये देखिए इसमें आप कोई भी कैंडल स्टैंड रख सकते हैं, को मतलब कुछ भी जो भी अच्छा डेकोरेटिव आपको लगे आप देख सकते हैं। प्लांट भी ऐसे रख दो तो कितना प्यारा लग रहा है, नीचे अच्छे से इसका रिफ्लेक्शन जाता है। और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है फ्रेंड्स, ये आई थिंक 850 के अराउंड है बस यही है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे से आया था और बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ भी आया था। दो प्रोडक्ट दिखाते इधर चाय भी बन के हो गया था रेडी, तो मैं जल्दी से हस्बैंड को दे रही हूँ ताकि वो शांति से अपना चाय इंजॉय करे और मैं आराम से अपना वीडियो शूट करूँ। तो चाय वाई हो गया गाइस शाम वाला, तो चलिए मैं आप लोगों को दूसरा प्रोडक्ट दिखाती हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आया था मुझे मीशो से,
फ्रेंड्स, इस बिल्डिंग में इतना काम चलते रहता है ना, हमेशा ड्रिलिंग होते रहती है, खाटकूट इतना होते रहता है, मुझे बीच बीच में वीडियो को रोकना पड़ रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा आवाज आने लग रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आ ही रही है। अगर थोड़ी बहुत आ रही है प्लीज को इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कंटिन्यू ऐसे हो रहा है। अगर वेट करूंगी ना कि वो लोग रुके तो फिर मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए प्लीज आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को ये प्रोडक्ट दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करूंगा, इस बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ आया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और 12 पीस है और मात्र आपको 600 या 620 के अराउंड है। बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और ग्लास का जार है तो थोड़ा हेवी भी है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं एक साथ ये 6 पीस है। ऐसा ही बॉक्स एक और है, इसमें उसमें 6 है, टोटल 12 पीस है। और आप ये देख सकते हैं, मैं आप लोग को एक दिखा देती हूँ बस, एक एक करके पूरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सारा जो जार है सेम ही है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये जो इसका जो ढक्कन है ना, ये हल्का लाइट गोल्डन है, पूरा प्योर गोल्डन नहीं है। जैसा कि अमेजोन से मैं जो मंगाई थी ना वो ज्यादा गोल्डन कलर का था, ये थोड़ा लाइट गोल्डन कलर है। और इससे पहले मैं जो जार मंगाई थी उसकी जो कैपेसिटी थी वो 100 ग्राम की थी, 100 ग्राम की थी, पर इसकी जो कैपेसिटी है वो है 250 ग्राम की, उससे थोड़ा सा बड़ा मुझे जार चाहिए था। और तो देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, और एक एक जार में चेक करके देखी हूँ, सारा जार बहुत ही अच्छे कंडीशन में और बहुत ही अच्छे से आया था। ये देखिएगा इसके अंदर ये लगा हुआ है और इसका ढक्कन ही बहुत अच्छे से बंद होता है, पूरा एयर टाइट है। तो इसका तो लिंक नहीं होता है मेसो का, मैं आप लोग को कोड दे दूंगी, आप लोग वहां से इसे जरूर देखिएगा। मैं आप लोग को पास से भी दिखा देती हूँ कि ये प्रोडक्ट देखने में कैसा है, क्योंकि पास से ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। पास से देख लीजिए आप लोग, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, और जो दूसरा बॉक्स है ना सेम यही है, मतलब कि मैं क्वालिटी की बात कर रही हूँ और सेम यही क्वालिटी है। तो गाइज मुझे तो बहुत पसंद है ये जार, अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से अब हम अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है ना गाइज, ये देखेंगे तो आप लोग को प्यार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा है। ये मैं अपने किचन काउंटर के लिए मंगाई हूँ गाइज, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप लोग भी देख लीजिए ये है क्या। तो आप ये देख सकते हैं गाइस, ये किचन काउंटर ऑर्गेनाइजर जो होता है ना, ये वही है जो डेली यूज का सामान होता है ना, वो आप इसके ऊपर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और नो डाउट ये देखने में भी बहुत, अपने आप में बहुत सुंदर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर वुड नहीं है, वुड ही है पर प्लाई टाइप का है, वुड अलग होता है प्लाई अलग होता है, तो ये कुछ प्लाई जैसा है और ये पूरा लोहे का बना हुआ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और फिनिशिंग बहुत अच्छी है, पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, अच्छे कंडीशन में भी आई थी। और जब मैं इसे ली थी तो ये कुछ 950 के अराउंड इसका प्राइस था, लेकिन जब मैं कल चेक की तो इसका प्राइस 1100 चला गया है। वैसे मैं लिंक दे दूंगी, वहां आप लोग देखिएगा, क्या पता प्राइस कम भी हो गया होगा, मुझे नहीं पता, पर मैं लिंक दे दूंगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रोडक्ट है ये। और जो सबसे लास्ट प्रोडक्ट है गाइज वो है ये जार, ये मैं ऑनलाइन नहीं मंगाई हूँ, ये मैं ली हूँ होम सेंटर से जाके। आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा जार है और बहुत सुंदर लगा मुझे, मुझे तो इसे अपने किचन में रखना ही था, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और होम सेंटर का है तो कोई डाउट ही नहीं किसी क्वालिटी लो होगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। सो गाइस जब मैं होम सेंटर गई थी तो उस समय ऑफर चल रहा था, वैसे तो 2 पीस का प्राइस 499 है, पर मैं जब गई थी तो ऑफर के चलते मुझे 499 में 4 पीस मिला, तो मेरे हाथ में एक है और 3 पीस इधर रखा हुआ है। वैसे होम सेंटर के शॉप पे जाइएगा, जो जो प्रोडक्ट आप लोग को वहां दिखता है ना, सेम प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन भी दिख जाता है, होम सेंटर का ही पेज है ऑनलाइन, वहां से भी जाके आप प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। वैसे इसका अगर लिंक मुझे दिखा, ये प्रोडक्ट मुझे दिखा होम सेंटर के पेज पे, तो इसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहां से इसे जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड होप कि आप लोग को मेरा ये हॉल पसंद आया होगा, जो भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर की आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग को थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा मेरा ये वीडियो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को भरभर के लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, क्योंकि किसको नहीं पसंद है अपने किचन में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रखना है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स इस हॉल की एंडिंग मैं यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नए मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।